हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है ल्यूकिड टेप कैसे बनाएं। तो हम जब नेल पेंट लगाते हैं तो हमारे जो नेल्स हैं उसके बाहर जो स्किन है उस पर नेल पेंट चला जाता है तो बहुत ही गंदा लगता है। तो इसको हम कैसे अपने नेल पेंट को सुंदर तरीके से नेल पेंट कैसे लगाएं, तो ये मैं आज बताऊंगी आपको। 3 स्टेप बताऊंगी मैं नेल पेंट को अच्छे से लगाने के लिए और नेल पेंट टेप बनाने के। तो ये है फैब्रिक कलर, आप इससे भी बना सकते हैं। ये है ग्लू गम, उससे भी बना सकते हैं। और ये है फेविकॉल। तो फ्रेंड्स मैं बताती हूँ, ये है फैब्रिक कलर। आप फैब्रिक कलर ले लीजिए, इसको आप को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्रश से इसको लेकर अपने नेल्स पर लगा लीजिए, नेल्स के साइड में ऐसे करके, क्योंकि हमें फिर नेल पेंट इसके ऊपर लगाना है। तो इसको हम ऐसे साइड इसकी इससे कवर कर देंगे। अब छोड़ दीजिए इसको, ये हमारा सूख जाएगा तो बिल्कुल आसानी से हट जाएगा। और फिर आप इसके ऊपर नेल्स के ऊपर अपने अच्छे से नेल पेंट जैसा लगाना चाहते हैं वैसी लगा लीजिए। सेकेंड स्टेप है फेविकॉल। ये फेविकॉल है, इसको आप डायरेक्ट इसके ट्यूब से ऐसे लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको किसी नेल पेंट की शीशी जो खाली है उसमें भर के ऐसे, और फिर इसको ब्रश से भी लगा सकते हैं। जो मैंने आपको पहले अपने पिछले वीडियो में बताया था कि नेल पेंट की शीशी को कैसे खाली करें, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो आपके पास आते रहें। थर्ड स्टेप है ग्लू। ये काफी कलरों में आता है, देखिए इसका ऑरेंज कलर है, येलो, पिंक, सारे कलर में आता है। तो इसको भी आप ऐसे लगा सकते हैं। अगर इसमें लाइट कलर है ज्यादा तो आप उसको चाहें तो कोई भी वाटर कलर इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप जब ये सूख जाएगा तो आपको आसानी से दिखाई दे कि कितने एरिया पे लगा है, क्योंकि जब नेल पेंट लगाएंगे तो इसका एरिया हमें अच्छे से साइड कवर करनी है, अगर नहीं होगी तो फिर नेल पेंट बाहर फैल जाएगी। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगी नेल पेंट इस नेल्स पर लगाकर। फ्रेंड्स ये मैंने अपने नेल्स पर ल्यूकिड नेल टेप लगाया था, अब मैं इस पर नेल पेंट लगाकर दिखाऊंगी आपको। देखिए मेरे पास नेल पेंट है, यदि ये मेरा फेविकॉल लगा है तो मैं इस पर लगा लेती हूँ। और देखिए मैं ऊपर तक फैला देती हूँ, जिससे कि मुझे पता तो चले मेरी नेल पेंट जो ल्यूकिड टेप है वो काम कर रही है या नहीं। एक और कलर में लगाती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम लोग जब नेल पेंट लगाते हैं तो वो ऐसे ही फैल जाता है, तो इससे हम कैसे बचें और हमारे नेल्स सुंदर कैसे लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर, ये था हमारा फैब्रिक कलर, ये है फेविकॉल, और ये था मेरा ग्लू। अब मैं इसकी टेप हटाकर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स अब मैं देखिए इसको हटाकर दिखाती हूँ कि ये टेप ने काम किया है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा है फैब्रिक कलर, तो ये भी हट रहा है और इससे कोई भी मेरे उंगली के ऊपर निशान नहीं आया है। ये एकदम परफेक्ट ल्यूकिड टेप है, और देखिए ये बिल्कुल अच्छे से हट गई है, क्योंकि अगर आपके घर पर फैब्रिक कलर है तो आप उससे भी काम चला सकते हैं और अपनी नेल पेंट को अच्छे से लगा सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि मेरी उंगली ख़राब हो गई है,
कोई भी कलर नहीं आया और नेल पेंट बढ़िया लग गया है। ये दूसरे नंबर पे है फेविकॉल। ये देखिए मैंने फेविकॉल की टेप भी हटा दी है और देखिए और ये पूरी नेल पेंट लगा दी है और ये सारी देखिए ये भी ठीक है। तीसरे नंबर पर था मेरा ग्लू, ये देखिए मैंने इसको भी हटा दिया है और मेरी नेल पेंट लगी हुई दिखाई दे रही है, उसके पीछे कोई भी निशान नहीं आया है। तो फ्रेंड्स आपको ये तीन तरह की मेरी लिक्विड टेप कैसी लगी, आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।